नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मेरा नाम है प्राची और आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। असम में भीषण गर्मी में धड़ाम हो रही है बिजली आपूर्ति। पिछले कई दिनों से पूरे राज्य में पारा भी लगातार 30 से 40 डिग्री पार। पारे में वृद्धि ने असम वासियों के जीवन को असहनीय बना दिया है। गर्मी की वजह से नागरिकों को लगातार बिजली कटौती का सामना भी करना पड़ रहा है। रात हो या फिर दिन, बिजली की लुका छिपी रहती है जारी। ऐसे में लोग चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। दिन में भी बार बार ट्रिपिंग से लोग आजीज आ गए हैं। शहर की छोड़िए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली का बुरा हाल है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली को लेकर भीषण गर्मी में त्राई त्राई मची है। पिछले कई दिनों से बिजली आपूर्ति का बुरा हाल हो गया है। शाम होते ही बिजली की ट्रिपिंग शुरू हो जाती है। रात में भी कई बार बिजली गायब रहती है। ऐसे में बिजली नींद में खलल डाल रही है और लोग आराम से सो भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे में समस्या की गंभीरता को समझते हुए असम के मुख्यमंत्री ने बिजली मंत्री से मुलाकात की और बिजली की कमी से निपटने के लिए 300 मेगावाट का अनुरोध भी किया। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री को अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की वृद्धि के कारण बिजली की मांग में 26% की अभूतपूर्व वृद्धि के बारे में जानकारी दी। बिजली मंत्री सिंह ने आश्वासन दिया कि वह मौजूदा बिजली घाटे से निपटने के लिए असम को कम से कम 300 मेगावाट बिजली आवंटित करने के मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत अनुरोध पर विचार करेंगे। अब देखना होगा कि असम वासी को इस गंभीर समस्या से कब निजात मिलती है। असम से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।